न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। २०२४ के चुनाव में कांग्रेस हरियाणा की 90 की 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है और उसे किसी गठबंधन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि प्रदेश में भाजपा जजपा की गठबंधन वाली सरकार तो वैसे ही जाने वाली है। इसके लिए हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है, यह कहना है राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का, जो शनिवार को नारनौल में आयोजित कांग्रेस की कार्यकर्ताओं मीटिंग में जाते समय रेवाड़ी में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। रेवाड़ी पहुंचने पर पूर्व मंत्री डॉक्टर एम एल रंगा की अगुवाई में कांग्रेसियों ने दीपेंद्र हुड्डा का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा की मौजूदा सरकार पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा के 9.5 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश का विकास भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और प्रदेश बेरोजगारी में 1 बन गया। उन्होंने कहा कि भाजपा की अधिकांश परियोजनाएं या तो ठंडे बस्ते में चली गई या दूसरे प्रदेशों में चली गई है, जिसका उदाहरण है कि हरियाणा के मध्य में बनने वाला एयरपोर्ट जेवर चला गया और दूसरा गोहाना में बनने वाला रेल कोच का कारखाना वो बनारस चला गया। उन्होंने कहा कि सरकार 9.5 वर्षों में मनेठी में बनने वाले एम्स प्रोजेक्ट पर कुछ नहीं कर पाई। इस संदर्भ में संसद में जवाब मिलता है कि हरियाणा सरकार केंद्र का सहयोग ही नहीं कर रही। आखिर क्या है मनसा प्रदेश के मुखिया की समस्या, बाहर की बात है। उन्होंने राजस्थान से धारवाड़ा वाले इंडस्ट्रीज के केमिकल युक्त दूषित पानी के सवाल पर कहा कि वे जल्द ही इस मुद्दे को टेकअप करेंगे। रेवाड़ी से न्यूज वाइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागरात्री की रिपोर्ट। नारनौल में हमारी वर्कर मीटिंग है, उसके लिए हम लोग जा रहे थे रेवाड़ी में, जो सभी कांग्रेस के हमारे सभी साथियों ने, बड़े बुजुर्गों ने, नौजवानों ने जो स्वागत किया है, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। हमारे डॉक्टर एम एल रंगा जी जो हमारे पूर्व मंत्री हैं, इन्होंने बड़े इनके कारण काफ़ी प्रयास रहे, भाई दिनेश के प्रयास रहे, तो सबने जो आज स्वागत किया, आशीर्वाद दिया है, मैं सबका, बड़े बुजुर्गों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। चुनाव को कैसे देखते हैं सभी पार्टियां? देखिए, ये लोगों ने हरियाणा में मन बना लिया है 2024 में कमांडेंट साहब को बीजेपी जेजेपी खट्टर दुष्यंत सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है, ये लोगों ने मन बना लिया। कांग्रेस का किसी से रहेगा गठबंधन? गठबंधन का हरियाणा में किसी की आवश्यकता नहीं है, हरियाणा में 90 की 90 सीटों पर कांग्रेस सक्षम है। चौधरी वीरेंद्र सिंह और ये जो बीजेपी जेजेपी सरकार है, ये इनका जो 10 साल का कार्यकाल, 9.5 साल का कार्यकाल रहा है, इन्होंने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया, बेरोजगारी में 1 पहुंच गया हरियाणा, महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ने का काम किया, भ्रष्टाचार की भेंट हरियाणा का विकास चढ़ गया। 9.5 साल में एक भी कोई परियोजना विकास की हरियाणा में नहीं लेके आई, एक ऐसी सरकार है जिसके कई उदाहरण हैं। जो एयरपोर्ट हरियाणा के मध्य में आना था इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो जेवर चला गया नोएडा में, रेल कोच फैक्ट्री जो गोहाना में बननी थी वो बनारस चली गई, यहाँ तक कि हमारा एम्स मनेठी के अंदर जो हमारा एम्स बनना था, आज 9.5 साल के बाद भी इस सरकार ने उस पर काम शुरू नहीं कराया, यहाँ तक कि पूर्णतः जो है केंद्र सरकार को से जो सहयोग करना चाहिए था, बार बार मैं संसद में प्रश्न उठाता रहा हूँ और ये जवाब मिला कि हरियाणा सरकार कोई सहयोग नहीं कर रही। तो इसमें क्या नीयत है मुख्यमंत्री जी की, हमें समझ के बाहर की बात है। 9.5 साल तक इन्होंने एम्स का काम भी शुरू नहीं कराया, हरियाणा शायद देश में अकेला ऐसा प्रदेश ना बन जाए जिसमें, क्योंकि अब बाकी प्रदेशों में तो एम्स में काम चल रहा है। तो एक उदाहरण है, ये बड़ी बड़ी परियोजनाएं हरियाणा से या तो चली गई या इन्होंने काम उन पर नहीं कराया, आज पूरा प्रदेश विकास की बाट देख रहा है। मैंने आपको लाइन दे दी, मनेठी वाली दे दी, वो आप सड़कों की हालात क्या है, सड़कों की आप खुद बताओ, आप लोग खुद बताओ। जो टोल रोड नहीं है, टोल रोड की तो हम कहते नहीं, टोल रोड तो भारत सरकार के अंडर में होती है जो NHAI, मगर NHAI के अलावा जो सड़कें बिना टोल रोड की, उनकी हरियाणा की स्थिति आज पूरे देश में सारे प्रदेशों से बदतर है। एक रेवाड़ी में पिछले एक दशक से धारवाड़ा में गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है रेवाड़ी से, दोनों सरकारों में भी कई बार टोल की वार्ता हो चुकी है लेकिन हल नहीं निकल पा रहा। ये एक आपने जो मुद्दा उठाया, इसको हम टेकअप करेंगे।